दुनिया भर में चल रही मंदी की आशंकाओं और अमेरिका फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद भारतीय शेयर बाजार में आज एक बार फिर से भारी गिरावट देखने को मिली। आज दिन की शुरुआत में भारतीय बाजार में जो तेजी का सिलसिला चल रहा था वो दोपहर बाद थम गया और बाजार एकाएक धराधर गिर पड़ा। बता दें कि बीते दिनों से भारतीय शेयर बाजार नरमी के साथ कारोबार कर रहे थे। आज सुबह आई तेजी के बाद से निवेशकों को थोड़ी राहत की उम्मीद दिख रही थी, जो दोपहर होते होते बिल्कुल खत्म हो गई। दरअसल अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने बुधवार को ब्याज दरें 0.75% बढ़ाने का ऐलान किया था, जिसके बाद से अमेरिकी बाजार कल बढ़त के साथ बंद हुए थे। अमेरिकी बाजार की तेजी के चलते आज भारतीय शेयर बाजार ने भी बढ़िया शुरुआत की थी, लेकिन शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स एक समय 600 अंक तक ऊपर चला गया, लेकिन उसके बाद दोपहर तक सेंसेक्स करीब 700 अंक से ज्यादा के नुकसान में जा पहुंचा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज सुबह करीब 9:20 पर सेंसेक्स में 550 अंक से ज्यादा की बढ़त आई थी और उसके बाद यह 53,000 अंक के पार कारोबार कर रहा था। तो वहीं निफ्टी भी करीब 150 अंक उछलकर 15,850 अंक के आसपास था। दोपहर 1 बजे तक सेंसेक्स 640 अंक से ज्यादा नुकसान के साथ गिरकर 51,900 अंक पर आ चुका था। इसी तर्ज पर निफ्टी भी करीब 225 अंक तक गिरकर 15,465 अंक पर आ चुका था। इससे पहले बुधवार को भी भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए थे। सेंसेक्स 152 अंक गिरकर 52,541 अंक पर, तो वहीं निफ्टी भी 39 अंक के नुकसान के साथ करीब 15,692 अंक पर बंद हुआ था। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।